आपको सिखाएंगे कि कैसे आप सीएनसी फाइबर लेजर कटिंग के मशीन में जो हेड है उसमें आप कैसे लेंस को रिप्लेस और क्लीन कर सकते हो। साथ ही हम सीखेंगे लेंस के नीचे जो सिरामिक रिंग है जिसके ऊपर हम नोजल फिट करते हैं वो हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सीएनसी फाइबर लेजर कटिंग का मशीन का हेड है। सबसे पहले यहाँ पे एक लेंस होता है वो हम रिप्लेस और क्लीन कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे एक लेंस होगा उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेंस को निकालने के लिए हमको हेड को क्लीन करना पड़ेगा। उसके लिए आप कोई भी साफ कॉटन यूज कर सकते हो। तो हमने पूरा हेड साफ कर दिया है ताकि इसमें कोई धूल ना रहे। और ये विंडो ओपन करने से पहले एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आसपास में कोई पंखा चालू ना हो ताकि बाहर की डस्ट इसके अंदर ना जाए। ये हमने विंडो ओपन कर दिया है, इसको हमको ऐसे पुल करके बाहर निकालना है और तुरंत ही हमें विंडो को बंद कर देना है ताकि इसमें कोई डस्ट ना जाए। आप देख सकते हो ये हमारा लेंस है, यहाँ पे एक एलन की बोल दिया हुआ है जिससे हम इसको टाइट और लूज कर सकते हैं। इसको हमको एक साफ कॉटन पे रख देना है। सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें ना तो कोई स्क्रैच है, ना कोई डॉट है, ना कोई ब्लैक स्पॉट है। अगर आपको इसमें ब्लैक स्पॉट दिखता है, कोई डॉट दिखता है, स्क्रैच दिखता है, तब उस केस में आपको इसको रिप्लेस करना होगा या तो फिर आप क्लीन कर सकते हो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसको क्लीन कर सकते हो। सबसे पहले ऊपर का जो रिंग है उसको हमको केयरफुली निकालना है। साफ कॉटन हमने लिया है उसके ऊपर रख देना है। ये हमारा लेंस है, ध्यान रहे हमको बीच में टच नहीं करना है। ये जो है एक लेंस क्लीनर सॉल्यूशन है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इसको हमको स्प्रे करना है दोनों तरफ से। कॉटन लेना है साफ और इस पे इसके ऊपर हल्के हाथों से इसे साफ करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा क्लीन हो गया है। केयरफुली वापस हमको रखना है, रिंग फिट करनी है। ये पूरा रेडी है पूरा इंस्टॉल करने के लिए, देख सकते हो। वापस से इसको हमको खोलना है और केयरफुली अंदर पुश करके डाल देना है और तुरंत ही विंडो बंद कर देना है। ये बात हुई लोअर लेंस की, अब बात करते हैं अपर लेंस की। इस पर एलेंकी बोल्ट दिए है तो पहले हमको इसको एलेंकी से खोलना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमने एलेंकी से खोल दिया है केयरफुली, हम इसको भी बाहर निकालना है। सेम जो नीचे मैकेनिज्म था सेम वैसा मैकेनिज्म है, ओनली इसमें जो लेंस है वो थोड़ा सा साइज में छोटा है, राइट। वापस से केयरफुली इसको इंस्टॉलर में। ओके, ये केयरफुली इंस्टॉल हो गया है। अब बात करते हैं सिरामिक रिंग की। फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है इसके अंदर जो सिरामिक रिंग होता है वो कभी कभार ज़्यादा प्रेशर की वजह से या फिर लॉन्ग टाइम एजिंग होने से ये टूट जाता है, मतलब इसमें क्रैक आ जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हो जो वाइट कलर का है सिरामिक रिंग है जिसके ऊपर हम नोजल को फिट करते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक की दी हुई है और इसमें भी यहाँ पे की होगी, वो हम जब मैच करेंगे तभी ये ऊपर इंस्टॉल होगा। आइए देखते हैं।
यहाँ पे कैमरे से मैं दिखाने की ट्राई करता हूँ। देखिए ये यहाँ पे की दी हुई है और ये दोनों मैच करेंगे तभी वहाँ पे फिट होगा। ठीक है, ये हमने ठीक से लगा के यहाँ पे फिट कर दिया है। इस तरह से आप सिरेमिक रिंग को जो है फिट कर सकते हो। और ये हमारा नोजल है, अभी हम यूज़ कर रहे हैं 2 mm का नोजल। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने सीखा कैसे हम लेंस को रिप्लेस एंड क्लीन कर सकते हैं, साथ ही में सिरेमिक रिंग के बारे में जाना। ऐसे ही और इन इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में आप जानते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी रही हो तो। हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है बड़ौदा गुजरात में है, आप लोकेशन डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। थैंक यू।